Hello, good morning students of class 12. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we are going to discuss a very famous poem from your course syllabus that is known as An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Stephen Spender has been a very big name in English and he has been a great novelist, an essayist and a poet too. And his central issues of his writing is social injustice. हमारे समाज में क्या बुरा हो रहा है, हमारे समाज में क्या अभी कमियां हैं, कितना सुधार किया जाना बाकी है, इस तरह के इश्यूज स्टीफन साहब की राइटअप्स में होते हैं. और इस पोयम में भी उन्होंने खास तौर से एक सोशल इनजस्टिस की बात की. स्टूडेंट्स, हम कहने का तो बहुत अपने आप को सभ्य कहते हैं, सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, अपने आप को हाईली एजुकेटेड भी कहते हैं, अपने आप को यह दुनिया बहुत केयरिंग साबित करने में लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है. और उसी कमी को द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हियर. द पोएट हैज गिवन अ लुक टू अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास क्षेत्र की तरफ पोएट इशारा करता है और बताता है कि यहां अभी कमी है, यहां अभी बहुत बुराई है, यहां बहुत इनजस्टिस है, इसे सुधारने की जरूरत है. आइए इस पोएम के बारे में हम बात करते हैं. इस पोएम में स्लम एरिया के बच्चों के साथ हो रहे इनजस्टिस को, हो रहे अन्याय को, खो रहे उनके बचपन को पोएट बड़े अच्छे अंदाज में आपके सामने रख रहा है. सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जानें, बल्कि इसलिए कि आप सोचें कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं. हम सभी को मिलकर हमारे समाज के इन धब्बों को, इन ब्लैक स्पॉट्स को मिटाना है और हर जगह की दीवार को एक रंग का बनाना है, दुनिया खूबसूरत बनानी है. विद द सच मैसेज द पोएट गोज टू स्टार्ट हिज पोएम. इन दिस पोएम 4 स्टांजास आर देयर और चारों स्टांजास में पोएट चार बातें कहता है. एंड दिस ऑल 4 फैक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, सो यू हैव टू बी मच मोर केयरफुल. वेरी फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट स्टांजा. फर्स्ट स्टांजा में पोएट कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यही से शुरू करता है. फर्स्ट स्टांजा में पोएट जो है वो उस क्लासरूम को, उस क्लासरूम में बैठे हुए उन बच्चों को, सबसे पहले चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम, इन फर्स्ट स्टांजा ही गोज टू एक्सप्लेन, कहता है कि ये बच्चे जो इस क्लासरूम में बैठे हैं, ये स्लम एरिया का स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, गांव के गरीब बच्चे, स्लम एरिया के बच्चे इस स्कूल में बैठे हैं. और उन बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है पोएट फर्स्ट स्टांजा में, कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहीं से वो शुरू करता है. कहता है इन बच्चों के चेहरे देखकर लगता है कि ये बच्चे शुद्ध हवा से कोसों दूर हैं, इनके चेहरे के, इनके चेहरे पर पीलापन है, भूख है, तड़प है, और साथ ही साथ इनके बाल जो है वो रूटलेस वीड्स की तरह उखड़े हुए हैं. ये बच्चे अनलाइक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे सच संवर के अच्छे कपड़े पहन के बालों में कंघी करके जाते हैं, ये बच्चे वैसे बच्चे नहीं दिख रहे हैं. इन बच्चों के बारे में पोएट बताता है कि इस क्लासरूम में ये बच्चे जो बैठे हैं, इनको देख के अनायास कहा जा सकता है कि ये बच्चे भूखे हैं, इनको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, इनको खाने को नहीं मिल रहा, ये कुपोषण के शिकार हैं, और पढ़ाई से पहले इनकी खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए. पर कहता है कि एक बच्चे के बारे में, तीन बच्चों के बारे में बात करता है वो फर्स्ट स्टांजा में. पहला बच्चा, वो कहता है कि एक बच्चा है इस क्लास में, लुक पेपर सीमिंग बॉय, कागज की तरह दुबला पतला ये लड़का दिख रहा है, इसके चेहरे पर इसकी बड़ी बड़ी आंखें चूहे की आंख की तरह चमक रही हैं, और साथ ही साथ इसकी हड्डियां जो हैं वो ऐठी हुई हैं, ट्विस्टेड बोन्स हैं, और यह बच्चा अपने पिता की बीमारी को ढो रहा है और शायद अपने पिता की बीमारी का, अपने खानदानी बीमारी का ये संवाहक है और एक दुर्भाग्यशाली
उत्तराधिकारी भी है। पोएट आगे बढ़ता है और कहता है कि इस क्लास में एक बड़ी सी लड़की बैठी है जो हेडिंग डाउन करके बैठी, जो अपना सर नीचे करके बैठी है, बहुत बोझिल मन से वो कुछ सोच रही है। यह बच्ची अपने पारिवारिक समस्याओं के बारे में शायद सोच रही है। तीसरा दृश्य बहुत प्यारा सा पोएट ने इस फर्स्ट स्टांजा में दिखाया, कहा कि एक अननोटेड बॉय है जो क्लास की पिछली बेंच पर बैठा है और वो पिछली बेंच पर बैठकर क्लास की एक्टिविटी से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो खिड़की से बाहर देख रहा है और गिलहरी कैसे अपने कोटरे से बाहर आ रही है और फिर कैसे अपने कोटरे में चली जा रही है, वो इसी में मस्त है। इस तरह से इन फर्स्ट स्टांजा पोएट ने तीन बच्चों के बारे में बात की है। पहला बच्चा पेपर सीमिंग बॉय जिसकी ट्विस्टेड बोन्स हैं, जो अपने पिता की बीमारी का दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है और उसका संवाहक भी है और उसकी चूहे की तरह आंखें, उसके उजड़े हुए बाल। एक बड़ी सी लड़की है जो हेड डाउन करके क्लास में बैठी है और एक छोटा सा अननोटेड बॉय है जो क्लास के बाहर स्क्वायरल गेम में व्यस्त है। 10 ये फर्स्ट स्टांजा है। नाउ वी कैन से इन फर्स्ट स्टांजा द पोएट गोज टू एक्सप्लेन व्हाट अबाउट द चिल्ड्रेन सिटिंग इन द क्लास, और इन बच्चों के एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा स्कूल है और यहां पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू सेकेंड स्टांजा। यस, इन सेकेंड स्टांजा द पोएट गोज टू एक्सप्लेन द क्लासरूम। इन फर्स्ट स्टांजा द पोएट हैज एक्सप्लेन द स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, एंड इन सेकेंड स्टांजा द पोएट गोज टू एक्सप्लेन द क्लासरूम, द सीन ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम को एक्सप्लेन करता है, कहता है कि इस क्लासरूम की दीवार जो है वो सावर क्रीम कलर की है। क्रीम कलर उदासी का प्रतीक, इसके कलर्स जगह जगह खराब हो गए हैं, इसका कलर भी क्रीम कलर का है और क्लास में जाते ही बहुत मनहूस टाइप की स्थिति लगती है। बहुत खराब, बहुत खुशहाल वातावरण क्लास का नहीं है। नाउ इस मनहूस दीवार पर, इस स्कूल को बनाने के लिए जितने लोगों ने डोनेशंस दिए थे, उन डोनेशंस देने वाले लोगों के नाम अंकित हैं, नाम लिखा हुआ है। देन शेक्सपियर्स हेड बना हुआ, एक जगह दीवार पर शेक्सपियर का चेहरा बना हुआ है जो एजुकेशन का प्रतीक है। आगे क्लाउडलेस एट डॉन, एक अर्ली सुबह, एक अर्ली मॉर्निंग दिखाई गई है जिसमें आकाश एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहा है दीवार पर। एंड देन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, हमारे बड़े बड़े शहरों के गुंबदों को दिखाया गया है, हमारे विकास का प्रतीक ये चमकते हुए शहर, इनकी ऊंची ऊंची गुंबदें इस दीवार पर दिखाई गई हैं। देन फ्लावरी टेरोलीज वैली भी दिखाई गई है जो फूलों से लदी हुई है, एक घाटी, एक टेरोलीज वैली दिखाई गई है जो फूलों से लदी हुई है, जो प्रकृति के सौंदर्य का प्रतीक है। नाउ ओपन हैंडेड मैप दिया गया है वर्ल्ड का, क्लास की दीवार पर ओपन हैंडेड मैप भी है। एंड दिस मैप शोइंग द प्राउड ऑफ दिस ऑल, दिस एंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली दिस मैप, ये घाटी, ये सुबह और ये चमकते हुए शहर और शेक्सपियर और ये सारी चीजें इस दीवार पर इस दुनिया के प्राउड का प्रतीक हैं, जो इस दुनिया के विकास को दर्शाती हैं। ठीक कंट्रास्ट में पोएट बात करता है कि जो दुनिया इस दीवार पर दिखाई गई है वो दुनिया इन बच्चों की दुनिया से मैच नहीं करती, इन बच्चों की दुनिया तो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। द वर्ल्ड दैट इज शोन ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम दैट इज फार डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रेन सिटिंग इन द क्लास। नाउ यू हैव टू केयर this paragraph, this sorry, this stanza is very much important for your board exams. कहता है कि दीवार पर हमारे आधुनिक, विकसित, विकासशील दुनिया की एक छवि रखी गई है, एक प्रतीक रखा गया है, एक दर्शन रखा गया है हमारी इस दुनिया का, लेकिन जो दुनिया हमने दीवार पर रखी है वो दुनिया इन बच्चों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब बच्चों की दुनिया कैसी है,
पोएट आगे बढ़ता है और कहता है कि इन बच्चों का जो भविष्य है, इनका फ्यूचर जो है वो फॉगी है। फॉगी पेंट से पेंट कर दिया गया है इनका भविष्य। फॉगी पेंट का मतलब ये साफ साफ उससे बाहर देख भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि ये जिन गलियों में ये बच्चे रहते हैं वो सील्ड हैं लिड स्काई से, एक शीशे के आकाश से इनकी गलियां रोक दी गई हैं, बाधित कर दी गई हैं, जिसके बाहर ये नहीं जा सकते। और इसी कारण से इनकी अपनी निजी दुनिया प्रकृति से दूर हो गई है, अवे फ्रॉम रिवर्स एंड कैप्स। रिवर्स एंड कैप्स जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है और प्रकृति के सौंदर्य से इन बच्चों को इस लिड स्काई से अलग कर दिया गया है। इनकी गलियां उन सकरी गलियों में दम घुटती जिंदगी के साथ पड़ी हुई हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, रिवर्स एंड कैप्स, फॉर अवे फ्रॉम रिवर्स एंड कैप्स का मतलब दी चिल्ड्रेन आर फॉर अवे फ्रॉम नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल प्रकृति से ये बच्चे दूर हैं। प्रकृति ने सबको एक बराबर दिया है, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। ये नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, मैदान, आकाश, सब कुछ सबको समान रूप से दिया है, लेकिन ये दुर्भाग्यशाली बच्चे प्रकृति के दिए हुए इस वरदान से भी कोसों दूर हैं। और एक एक यह टर्म अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ये एजुकेशन का प्रतीक है। ये बच्चे अक्षरों से, शब्दों से, ज्ञान से, शिक्षा से कोसों दूर हैं, प्रकृति से भी कोसों दूर हैं, और जो दुनिया इनके क्लासरूम की दीवार पर दिखाई गई है दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट मैच्ड, दैट इज नॉट द सेम फॉर द चिल्ड्रेन। एंड दस इन सेकेंड स्टांजा द पोएट गोज टू एक्सप्लेन द क्लासरूम इन अ विविड मैनर, इन अ वेरी एक्चुअल मैनर। कि पहले स्टांजा में जैसे उन्होंने बच्चों के बारे में बताया, दूसरे स्टांजा में उन्होंने क्लास को एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टांजा ऑफ दिस पोएम। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर इन थर्ड स्टांजा। इन थर्ड स्टांजा फिर से जल्दी से, मैं फर्स्ट स्टांजा स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन, सेकेंड स्टांजा क्लासरूम एक्सप्लेनेशन, एंड इन थर्ड स्टांजा पोएट बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही ऐसे भाव से कि आपका मन खिन्न हो जाएगा यह सुन के। और इस एक्सप्लेनेशन में इतना टच है, इतना फील है कि आप इन बच्चों के दर्द को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। पोएट कहता है कि इस दीवार पर जो शेक्सपियर का चेहरा बनाया गया है, जो शेक्सपियर की मुंडी बनाई गई है, और दैट इज द सिंबल ऑफ एजुकेशन, और वो इन बच्चों के लिए एकदम उलट है, एकदम बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर एक हाईली एजुकेटेड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और इन बच्चों के पास कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो वो शेक्सपियर की मुंडी इनके लिए बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। पोएट आगे बढ़ता है और कहता है कि ये मैप भी जो है, जो इस चमकती हुई दुनिया का मैप इस दीवार पर जो दिखाया गया है, ये मैप भी विग्ड है, इन बच्चों के लिए कष्ट देने वाला है, इन बच्चों के जस्ट अपोजिट है, इनकी दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग है। आगे कहता है कि अगर इन बच्चों की दुनिया के बारे में बात करें तो इनकी दुनिया इनके पॉवर्टी से, इनके हेल्पलेसनेस से, इनकी मजबूरी से, इनके दुख से, इनके दर्द से, इनके कुपोषण से बाहर है ही नहीं। इनकी दुनिया इसके बाहर जाती नहीं, ये इसके बाहर की बात सोच ही नहीं सकते। पोएट आगे बढ़ता है और कहता है कि ये चमकती हुई दुनिया की जो तस्वीरें दीवार पर दिखाई गई हैं, इनको देखकर ये बच्चे ललचते जरूर हैं, ल्योर जरूर होते हैं, चुरा लेने का मन जरूर करता है, उस जिंदगी को थोड़ा सा जी लेने का मन जरूर करता है, लेकिन ये बच्चे इसके बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये बच्चे क्रैम्प्ड होल्स में रहते हैं। क्रैम्प्ड होल्स, एक ऐसा दरवाजा, एक ऐसा बिल, एक ऐसा छिद्र
जिसमें जाने का रास्ता तो हो निकलने का रास्ता ना हो, तो क्रैम्प्ड होल्स में ये बच्चे रहते हैं। और इन क्रैम्प्ड होल्स में बच्चे रहते हैं, साथ ही साथ हम लोग कपड़े पहनते हैं, दुनिया के सभी लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी स्किन पहनते हैं, अपनी चमड़ी पहनते हैं। इशारा आप समझ रहे होंगे, ये बच्चों के बारे में पोएट कहता है कि ये बच्चे कपड़े नहीं पहनते, ये बच्चे अपनी स्किन पहनते हैं और इनके पतले स्किन से इनकी हड्डियां झांकती रहती हैं। अर्थात ये बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, इनका बाहर से एक्सरे देखा जा सकता है, इनके हड्डियों की बनावट बाहर से देखी जा सकती है, इनके शरीर पर मांस नाम की कोई चीज नहीं है। देयर इज नो फ्लैश ऑन देयर बॉडी, दे आर सो वीक लीन एंड थिन एंड पुअर। पोएट कहता है कि ये बच्चे अपनी स्किन पहनते हैं और इनकी हड्डियां इनके चमड़ों से झांकती हैं, इनकी स्किन से झांकती हैं, साफ देखी जा सकती हैं, और साथ ही इनकी पूरी जिंदगी एक हीप ऑफ गार्बेज है, एक कूड़े का ढेर है, एक कूड़े के ढेर पर ही रहते हैं। अपने क्रैम्प्ड होल से जब ये बाहर निकलते हैं तो कूड़े के ढेर पर आते हैं और इनके आंखों पर स्टील मेंडेड स्पेक्टेकल्स, स्टील फ्रेम वाला चश्मा जब इनकी आंखों पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि किसी पत्थर पर किसी बॉटल को तोड़ दी गई हो और पीस ऑफ ग्लासेस पत्थर पर बिखरे हुए हों। इनके आंखों पर वो स्टील मेंडेड ग्लास, स्टील मेंडेड स्पेक्टेकल्स वैसे ही दिखते हैं। इनकी खूबसूरती की बया है ये, और इनके कुपोषण का बया है ये, और इनकी दरिद्रता और इनके दुख और इनकी परिस्थितियों का एक्सप्लेनेशन है। पोएट कहता है कि ये स्लम, ये पूरा पूरी की पूरी एरिया, अब ये एरिया नहीं है, ये जगह नहीं है, ये परिस्थिति नहीं है, अब तो इनकी ये जिंदगी है और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट है, एक बहुत बड़ा ट्रायल है। एंड देयर इज नो वे दे कैन कम आउट फ्रॉम देयर पॉवर्टी, फ्रॉम देयर हेल्पलेसनेस, फ्रॉम देयर होपलेसनेस एंड फ्रॉम देयर This awkward situation. ये एक ब्लॉट है, ये एक थ्रैल है, किसी भी सूरत में से ये बाहर नहीं आ सकते। Thus, the third stanza expresses the real condition of these poor children. So, let's proceed the final stanza, and that is fourth one. Yes, we are in stanza fourth. Students, in stanza fourth, पढ़ाने से पहले मुझे दिनकर जी की एक, दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती है। उनकी एक बड़ी फेमस कविता है बच्चों का दूध, और बड़े मार्मिक ढंग से दिनकर जी लिखते हैं। वे भी यही जो दूध से अपने स्वानों को नहलाते हैं, और वे बच्चे भी यही जो कब्र में दूध दूध चिल्लाते हैं। ये वास्तविक स्थिति है समाज का। कुछ लोग दूध से अपने कुत्तों को नहलाते हैं, उनके कुत्ते भी दूध नहीं पीते, और कुछ बच्चे दूध के लिए मर जाते हैं और कब्र में उनकी आत्माएं भी दूध के लिए तड़पती हैं। एक आक्रोश आता है, एक आंदोलन आता है, एक विद्रोह आता है दिनकर की पंक्तियों में, और बोलते हैं हटो व्योम के में एक पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध वो बस तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। स्टूडेंट्स, यही आक्रोश, दिनकर का वही आक्रोश इन पंक्तियों में भी दिखाई देता है। पोएट थोड़ा सा नाराज देखता है और कहता है क्या इंस्पेक्टर हो, क्या विजिटर हो, क्या लीडर हो, क्या समाज सेवक हो, तुम स्कूल में जाते हो तुम्हें यह दिखाई नहीं देता। एक पोलाइट रिक्वेस्ट करता है पोएट उन लोगों से जो इन बच्चों के शिक्षा के जिम्मेदार हैं, जो लोग इसके जिम्मेदारी उठाए हैं, जो इन बच्चों को शिक्षित करेंगे, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, गवर्नर से, और सिर्फ इनसे नहीं, हम सब से, क्या केयर करो इन बच्चों को, जस्ट सी द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन। इन बच्चों की भी खिड़कियां, ओपन देयर विंडोज इन ओपन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इनकी खिड़कियों को भी खोल दो ताकि ये पूरी दुनिया को झांक कर देख सके, इस पूरी दुनिया में जा कर देख सके, जी कर देख सके। आगे बढ़ते हैं, पोएट कहता है कि इनको खुले मैदान में जाने दो, लेट देम प्ले इन ओपन फील्ड।
खुले रेत पर इनको दौड़ने दो, खेलने दो, इनकी दुनिया को आजाद करो। और साथ ही साथ किताबों में भी इन्हें आजाद दौड़ने दो, एजुकेशन की दुनिया में भी इनको आजाद करो, इनको सुविधाएं दो और इनको इनके सारे बंधन तोड़ दो। इस खुली दुनिया में, इस विकसित दुनिया में, इस पढ़ी लिखी दुनिया में जाने से रोकने वाली वो सारी दीवारें जो इन बच्चों को रोकती हैं ढहा दी जाएं, तोड़ दी जाएं और इन बच्चों को आजाद कर दिया जाए कि ये बच्चे खुली दुनिया में जाएं, खुली किताबों में जाएं। इनको इनका इतिहास बनाने दो, लेट देम क्रिएट देयर ओन हिस्ट्री। और पोएट कहता है कि अपना इतिहास तो वही बनाते हैं जिनकी भाषा में शौर्य होता है, जिनकी भाषा में ओज होता है, जिनकी भाषा में कॉन्फिडेंस होता है, जिनकी भाषा में तेज होता है। और इन बच्चों को भी तेज हासिल करने दो, इन बच्चों को भी ओज हासिल करने दो और लेट देम बी फ्री टू एंजॉय द ओपन वर्ल्ड। अंटिल अनलेस, अगर ऐसा नहीं होता तो ये बच्चे ऐसे ही अपने क्रैम्प्ड होल में दम घुटने से अपनी जिंदगी खो बैठेंगे। तो बड़े मार्मिक ढंग से पोएट पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इन बच्चों की तरफ आकर्षित कर रहा है और एक अच्छे मैसेज के साथ, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज के साथ वो कहना चाहता है कि दुनिया के सभी वो लोग जो अपने आप को सभ्य समझते हैं, अपने आसपास ऐसे बच्चों को जरूर देखें और जो हो सके इन बच्चों के लिए जरूर करें। विद दिस स्वीट मैसेज टू यू ऑल, दिस पोएट द पोएट गोज टू एंड द पोएम एंड दस This poem is over and my class is also going to be over and मैं समझता हूं कि ये explanation आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगेगा, आपको इस chapter को समझने में मदद मिलेगी, ऐसा मानते हुए wishing you all the best।